लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया, मैं सानिया जैन आपके साथ। सोलह शिक्षकों की बर्खास्त के आदेश को वापस लेने और शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का समय सीमा में निराकरण हो, इसके लिए आज इंदौर के आनंद मोहन माथुर सभागृह में आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री किवायत को शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना था कि इस आदेश से पूरे देश में हमारे प्रदेश के शिक्षकों का उपहास उड़ाया जा रहा है और हमारे प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पर ही विश्वास नहीं है। उनका आरोप है कि जानबूझकर शासकीय शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है, जिससे निजी विद्यालय संचालक को इसका फायदा मिलेगा। एक शाला एक परिसर के कारण कई प्रधान पाठकों की पोस्टिंग उनकी काउंसलिंग के बाद भी नहीं की गई है। पांचवी एवं आठवीं की परीक्षा को लेकर भय का माहौल बनाया जा रहा है, इसको दूर किया जाए। इन्हीं शिक्षकों द्वारा पूर्व में भी यह परीक्षा करवाई जा चुकी है। उनका कहना है कि कुछ अधिकारी जानबूझकर शासकीय शिक्षकों की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं, जिनका फायदा निजी स्कूल संचालक उठा रहे हैं। मुख्य हमारा जो मुद्दा है वो यह मुद्दा है कि शिक्षकों को जिस तरह से अपमानित करके सेवा से बर्खास्त किया जा रहा है, उससे पूरे प्रदेश में शिक्षा जगत में आक्रोश है और उसी आक्रोश से हमने मैडम को अवगत कराया कि ये जो सेवानिवृत्ति बर्खास्ती की जा रही है वो गलत ढंग से की जा रही है। शिक्षक को सुनने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है और सिर्फ उसको बर्खास्ती का लेटर दिया जा रहा है। जब जो आदेश है उस आदेश में इस तरह का कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो आपको बर्खास्त किया जाता है। उसमें शासन के आदेश का 20/50 का उल्लेख किया जाता है, जबकि 20/50 के उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल की CR आपकी खराब होना चाहिए, जबकि हमारे शिक्षक साथियों की इसी तरह की कोई CR खराब नहीं है। पूर्व में भी दिग्विजय सिंह सरकार के शासन समय ये योजना लागू हुई थी और हमारे सारे साथी न्यायालय गए थे और न्यायालय से सबके आदेश निरस्त हुए थे। मैं एक बार पुनः निवेदन हमने आयुक्त महोदय से किया है कि आप इस पर पुनर्विचार करिए और मानवीयता के नाते करिए, क्योंकि अगर शिक्षक का आप अपमान कर रहे हैं, जिस तरह से शासकीय विद्यालयों के शिक्षकों का अपमान किया जा रहा है, ये निजी विद्यालयों को कुल मिला के फायदा देने की इनकी योजना है कि पालकों का विश्वास शासकीय विद्यालयों से उठ जाए कि शिक्षक 3-3 बार किताब लेकर बैठे और पास नहीं हो रहा है। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि 5वीं के बच्चे को किताब लेकर बिठाओ तो वो पास हो जाए? कहीं ना कहीं इसमें हमें बिल्कुल षड्यंत्र की बू आ रही है। ये निजी जो विद्यालय होगा ये उद्योग धंधे हो गए, स्वास्थ्य और शिक्षा आजकल उद्योग में आ गया है, तो ये उद्योग जगत के द्वारा इसको पिक्चराइज किया जा रहा है और शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है। शासकीय शिक्षकों आगे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी कर्मचारी संघ? हमने आज आयुक्त मैडम से बात की है, चर्चा की है, उन्होंने कहा हम पक्ष सुनेंगे। फिर भी कल PS मैडम ने 4 बजे कर्मचारी संघ के लोगों को उनके कक्ष में बुलाया है। उनके पास क्या निर्णय होता है, यदि हमारे को संतोषजनक निर्णय होता तो ठीक, वरना पूरे प्रदेश में सारे शिक्षक समुदाय आंदोलन करेगा। इनका चयनित किस प्रकार से कर रही है, मतलब सरकार जो ये क्या है, ये परीक्षा ले रहे हैं, मतलब जिन लोगों का 30% से कम रिजल्ट आया है उनकी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा भी ऐसे है कि सुबह बोल रहे हैं कि आज दोपहर में तुम्हारी परीक्षा सूचना मिल रही है शिक्षक को। अब शिक्षक कोई बाहर है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, और इस तरह से शिक्षकों को एंड टाइम पर सूचना देकर के और बोला जा रहा है तुम्हारी परीक्षा है। शिक्षक किस तरह से तैयार होकर जाएगा? मतलब अभी तक हमारे पास जो 4 शिक्षकों की सूचना है उसमें यह है कि वो लोग एग्जाम में ही नहीं बैठे, सिर्फ उनके एक शिक्षक तो इतना मजेदार है कि वो जनवरी में आया है अपने संबंधित शाला में, फरवरी में उन्होंने ज्वाइन करा और उसको पुराना रिजल्ट मान के उसको बर्खास्त कर दिया, जबकि उसका उस स्कूल के रिजल्ट से कोई वास्ता ही नहीं है। आपका नाम? हरीश भोयत, प्रांतीय महामंत्री मध्य प्रदेश धरती और शासकीय कर्मचारी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।